हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था यानी कि एक्सरसाइज 6.1 का, तो उसमें मैंने पॉलीनोमियल्स बताया था और उसके टाइप्स बताए थे। तो उसमें मैंने 3 टाइप बताया था, एक मोनोमियल, दूसरा है बायोनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें जो पढ़ना है वो मोनोमियल पढ़ना है। टोटल इतना जो दिया गया है वो मोनोमियल पढ़ना है, और मोनोमियल का क्या पढ़ना है, मल्टीप्लाई पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक पदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले 2 रूल। पहला ये है, यदि आधार समान हो, यदि बेस इक्वल हो, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। पहला रूल, यदि बेस इक्वल हो तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यदि ये मल्टीप्लाई में दिया है तो पावर ऐड हो जाता है, लेकिन यदि डिवाइड में करके दिया है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिवाइड का यहाँ ऑप्शन नहीं है, अभी सिर्फ एडिशन का ऑप्शन। ठीक है, तो एडिशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल्स ए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए, x^3 × x^5। ओके, मल्टीप्लाई करना है x^3 × x^5। इसका कोई रूल यहां नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें लिखना है। एक बार क्वेश्चन से डायरेक्ट हम सॉल्यूशन नहीं करते, एक बार राइट करते हैं नीचे। ठीक है, अब देखिए बेस इक्वल है तो बेस को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और पावर इसमें जो है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो पावर को ऐसे ऐड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, x^5 × 8 ए है आंसर। ओके, कॉपी में नोट कीजिएगा। और इसमें है ये मोनोमियल्स है, यानी एक एक पदी का मल्टीप्लाई है, चाहे जितने हैं उससे हमसे नहीं मतलब। ठीक है, तो हम एच पार्ट एक और इसमें का देखते हैं। एच इसमें क्या दिया है, -11 mn^4 -3 np^4 -3 p²q³। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस कितनी टाइम है, 3 टाइम। इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस मिलके यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, कहने का मीन्स यदि माइनस और टाइम दिया गया है तो माइनस आएगा। ठीक है, मैंने बताया था एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट है हमारा 11 3 3। तो सबसे पहले साधारण भाषा में समझे तो जो गिनती होता है, नंबर्स होता है, उसका मल्टीप्लाई एक साथ कर लेते हैं मोनोमियल्स में, ओनली मोनोमियल्स। ये हो गया 11 × 3 × 3। आप कहेंगे एक 3 − 3 − 1 लिखे हैं, तो माइनस ऑड टाइम है इसलिए माइनस लिखा जाएगा, यदि यहाँ पर इवन टाइम होता तो प्लस हो जाता। ये हमारा नंबर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, mn np q, इसमें 4 वेरिएबल्स दिए ना, तो सबसे पहले m राइट करते हैं, m, फिर उसके बाद n। ठीक है, m
कितनी टाइम दिया गया है पहले राइट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अभी करेंगे। एम एन पावर फोर इंटू एन पी पावर फोर इंटू पी स्क्वायर क्यू क्यू। नेक्स्ट लाइन माइनस थ्री थ्री जा नाइन, इलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन, ओके। एम उसके बाद देखिए एन एन पावर फोर, एन कुछ नहीं दिया तो पावर वन है इसका, एन यानी फोर प्लस वन, यहाँ एन की पावर फोर है और एन की पावर वन है तो फोर प्लस वन, ठीक है। एम एन हो गया, फिर उसके बाद पी 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 का पावर फोर है यहाँ पर और यहाँ पर टू है तो प्लस टू हो गया। देखिए सब मल्टीप्लाई इसमें, इसलिए बेस इक्वल है और पावर को हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर है q पावर थ्री। माइनस नाइन्टी नाइन एम एन पावर फाइव पी पावर सिक्स q पावर थ्री, ये हो गया आंसर, ओके। बहुत ही सिंपल है, इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए बुक ए हो गया, एच हो गया, देखिए इस टाइप का ए है, इधर है, सब एक ही टाइप का, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मोनोमियर्स, जैसे रूल मैंने बता दिया उसी रूल का पूरा एक्सरसाइज ही है, जहां तक हो सके सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम, इसमें फ्रैक्शन वाले पे आते हैं, ठीक है, सी पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर टू सी। देखिए मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले बताया है कि कांस्टेंट जो है उसको आगे लाते हैं, ठीक है, और माइनस जो दिया रहेगा लिखते हैं माइनस सेवन अपॉन इलेवन ए स्क्वायर बी क्यू मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी टू अपॉन फोरटीन ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन टू ए बी सी। देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस वाला पोर्शन इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिक दिया है उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ओके। कांस्टेंट को आगे करेंगे, देखिए इधर माइनस एक है, इधर माइनस एक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गए प्लस, लिखेंगे नहीं, ठीक है। सेवन अपान इलेवन इंटू ट्वेंटी टू अपान फोरटीन इंटू वन अपान टू, ठीक है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए, ये जहां पर था उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। अब बी का नंबर है बी क्यू इंटू बी स्क्वायर इंटू बी, इसके बाद सी सी स्क्वायर इंटू सी। देखिए इसको एक्स मत समझिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, यदि x का पोर्शन होगा जैसे x ऐसे दिया ना तो हम मल्टीप्लाई छोटा सा करेंगे, ठीक है, जिससे पहचान में आ सके। देखिए इधर 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, बचा 1 अपान 2, 1 अपान 2 ए बी सी, ए पावर टू प्लस वन प्लस वन, बी पावर थ्री प्लस टू प्लस वन, सी पावर टू प्लस वन, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। इधर देखेंगे वन अपॉन टू ए पावर फोर बी पावर सिक्स सी पावर थ्री, ये है आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, बी में सभी वैसे लगेंगे, कोशिश कीजिएगा। सी का है, सी भी सेम टाइप का है, इसमें का भी एक बता देता हूँ, बी पार्ट को इसको देखता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थ्री डी पार्ट, ठीक है, मैंने बताया था कि मोनोमियल्स का सभी पार्ट है,
और इसको सबसे पहले न्यूमेरिक यानी जो कांस्टेंट दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ टू टाइम माइनस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 6 × 1/12 × 5/6 × 4 नंबर जितने दिए थे मैंने उसको राइट कर लिया। अब यहाँ पर ए वाले पोर्शन को लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ए जहाँ जहाँ था उसको मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है, एक साइड। और उसके बाद बी बी स्क्वायर इंटू बी इंटू बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, बी को भी एक साइड कर लिया। यहाँ पर बचा सी 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 सी, कितनी टाइम है, 3 टाइम, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग मत कीजिएगा, ये आपके सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ए हो गया 5 × 2 = 2 × 2, 2 × 3 = 6, 5/3, 5/3 ए ए पावर 2 + 1 + 1 + 1, बी पावर 2 + 1 + 2 + 1, सी पावर 1 + 1 + 1। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ये नहीं कि ये जरूरी है, ठीक है। 2 × 3 = 5, ए पावर 5, बी पावर 6, सी पावर 3, ये है आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी टाइप का है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें ए बी और सी का मान रखना है, ठीक है, ए बी और सी का इसमें वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है ना। ये तो लास्ट का हो गया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल मैं बता रहा हूं इसको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने का मीन्स सबसे पहले नंबर्स को रखिए, −4 × 3/5 × −25/8, ठीक है। उसके बाद ए ए वाला पोर्शन, ए की पावर 3 × a^2 × a^3, बी आते हैं बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू बी, सी स्क्वायर इंटू सी इंटू सी, ठीक है, ये सभी 1। देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, माइनस माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया 5 × 3 = 15/2, ओके, इंटू ए पावर 3 × 5 = 8, बी पावर 3 × 5 = 16 इंटू सी पावर 2 × 4, ठीक है, ये है इसका आंसर, ओके। वेरीफाई करना, वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए इसमें ये जो नंबर्स दिया गया है ना, इसमें ए बी सी का वैल्यू रखो, ठीक है, और इसमें भी ए बी सी का वैल्यू रखो, ये हो गया आंसर, ठीक है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग, ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो आया है लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको कहेंगे, और राइट हैंड साइड इसको, ठीक है। मेरे कहने का मीन्स ये जो जो दिया गया है नंबर्स, ठीक है, एक्सप्रेशन, इसी में हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और जो राइट साइड आया है इसका वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, और रखें देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था, वैरी कराना था। तो ये हो गया, देखिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे राइट कर लेंगे, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू
थ्री अपॉन फाइव ए स्क्वायर बी क्यूब सी इंटू माइनस 25 अपॉन 8 ए क्यूब बी सी। इसका जो प्रोडक्ट आया है 15 अपॉन 2 ए पावर 8 बी पावर 6 सी पावर 4। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू, वैल्यू कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है -1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू -2। ठीक है, इसी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, देखिए ए हो गया -4 -1 पावर 3 1 पावर 2 -2 पावर 2 इंटू 3 अपॉन 5 -1 पावर 2 इंटू 1 पावर 3 इंटू -2 इंटू, देखिए अभी दोनों का ही रखा हूँ, तीसरा बचा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया -25 अपॉन 8 -1 पावर 3 इंटू -1 इंटू -2। देखिए ये है इक्वल, अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे 15 अपॉन 2 -1 पावर 8 इंटू -1 पावर 6 इंटू -2 पावर 4। इसकी वैल्यू रखेंगे अब, देखिए ये हो गया -4 -1 कितने टाइम है, ऑड टाइम। ओके, ए है 1। ठीक है, 1 पॉजिटिव है, -1 ऑड टाइम है, तो ये हो गया -1। ए 1 का स्क्वायर ए हो गया 1, -2 का स्क्वायर ये हो गया 4। ठीक है, इंटू 3 अपॉन 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 की 3 पावर ये भी 1 हो गया, और ये हो गया -2। इधर -25 अपॉन 8 इंटू -1 बी जो है 1 है तो ये 1 हो गया इंटू -2 इक्वल टू 15 अपॉन 2 -1 की पावर सम है तो 1 हो गया। ठीक है, 1 पावर 6 1 हो गया, इधर हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। ठीक है, देखिए इधर अब हम माइनस का मल्टीप्लाई देखेंगे कितने टाइम माइनस है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, 6 टाइम माइनस है, कहने का मीन्स सभी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, 4 जा ये हो गया 16 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 25 टू जा 50 अपॉन 8 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 16। देख लीजिएगा एक बार इधर, ठीक है, इतना, इसके नीचे जगह नहीं है, अब इसको हमें इरेज करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, नोट कीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 ठीक है, देखिए 8 5 3 इक्वल टू 15 इंटू 8 एट फाइव जा 40 43 जा 120 इक्वल टू 15 8 जा 120 दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इन यूनिट आर गिवन बिलो। कहने का मीन्स रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड, ए लेंथ है ब्रेथ है, ठीक है,
रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? क्वेश्चन 5A, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दिया गया है कितना? 6xy² इनटू ब्रेथ है 12x² y³। मल्टीप्लाई कीजिए 12 6 जा 72, ठीक है। x² ये हो गया x³ इनटू y³ 3 to 5। इसको मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने बताया था ना, ऐड कीजिए या फिर डायरेक्ट ऐड करके लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। ओके, इसी तरीके से बी भी सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। एक वॉल्यूम का यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका एल बी एच तीनों दिया गया। एल बी एच कुछ नहीं करना है, ऐसे फार्मूला लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जो बताया गया उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।